अस्सलामुअलैकुम, आपके सामने इस वक्त टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो है। 1996 इसका मॉडल है, इम्पोर्ट 2006 की, और इसका नंबर 2008 में लगा हुआ है। तो आज इस वीडियो में इस गाड़ी का हम डिटेल रिव्यू करेंगे। अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़े मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दें। फ्रंट की आप पूरी लुक देख सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी और खूबसूरत है। हेडलाइट्स की अगर बात करें तो क्रिस्टल हेडलाइट्स हैं जिसमें हैलोजन बल्ब का इस्तेमाल किया गया है। साथ टर्न सिग्नल और पार्किंग लाइट भी हैलोजन बल्ब में है, और उसके साथ क्रोम की ग्रिल है जिसके ऊपर टोयोटा का लोगो है। असिस्टेंट साइड व्यू मिरर इस गाड़ी में इंस्टॉल है जो कि ब्लैक कलर में है। प्लास्टिक में इसका फ्रंट बम्पर डिज़ाइन किया जाता है जो कि ग्रे कलर में है, और उसके ऊपर कोई भी फॉग लाइट की ऑप्शन मौजूद नहीं है। ऊपर वाइपर्स मिल जाएंगे और साथ वॉशर। तो ये है जी टोयोटा प्राडो टीज़ेड की फ्रंट लुक। 1996 मॉडल है और 2006 की ये इम्पोर्ट है। सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो ये डबल विशबोन सस्पेंशन के साथ आती है। ABS ब्रेक इस गाड़ी में अवेलेबल है। टायर साइज की अगर बात की जाए तो 275/70 इस गाड़ी का टायर साइज है, जिसमें 16 इंच के 3 स्पोक अलॉय व्हील यूज किए गए हैं। इसके अलावा फ्रंट पे आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिलेगी। फेंडर पे टर्न सिग्नल है जो कि हैलोजन बल्ब में। साइड व्यू मिरर क्रोम में इसका आ जाता है और ये टोटली इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है। इसके अलावा क्रोम में आपको इसके डोर ओपनर मिल जाएंगे जिसके साथ की होल की ऑप्शन भी मौजूद है। 90 लीटर इस गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। सॉलिड डिस्क ब्रेक इसके रियर व्हील में आपको मिल जाएगी। तो ये थी जी गाड़ी की टोटल साइड लुक। अब बात कर लेते हैं गाड़ी की बैक लुक के बारे में। तो बैक की आप पूरी लुक देख सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी है। ऊपर आपको बॉडी कलर में इसका स्पाइडर मिल जाएगा जिसके ऊपर हाई माउंट ब्रेक लैंप्स भी अवेलेबल है। रियर स्क्रीन डिफोगर की ऑप्शन के साथ आती है और उसके ऊपर वाइपर की ऑप्शन भी मौजूद है। यहाँ पर टोयोटा टीज़ेड का लोगो मिल जाएगा। टेल लाइट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ब्रेक लाइट्स LED में, जबकि टर्न सिग्नल और रिवर्स गियर की लाइट हैलोजन बल्ब में है। उसके साथ यहाँ पर आपको स्पेयर टायर मिल जाएगा जिस जो कि कवर किया गया है। ग्रे कलर में इसका रियर बम्पर आ जाएगा जो कि प्लास्टिक में है, और उसके ऊपर रिफ्लेक्टर की ऑप्शन भी मौजूद है। स्पेयर टायर के ऊपर प्लास्टिक का कवर है जिसके ऊपर प्राडो लिखा मिल रहा है। और अब आपको इसका टेल गेट ओपन करके दिखाते हैं। स्पेस आप चेक कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसकी जो रियर सीट्स हैं वो फोल्डिंग सीट्स हैं, फोल्ड करके काफ़ी जगह भराई जा सकती है। इस गाड़ी में आपको इनलाइन 4 सिलेंडर 3000 cc का डीजल इंजन मिलता है जो कि 163 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और ये 3400 RPM पे काम करता है। 18.4 इसकी कंप्रेशन रेशियो है और ये टर्बो इंजन है। ग्रे प्लास्टिक और फैब्रिक्स में इसका ड्राइवर डोर डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ पर आपको डोर ओपनर मिल जाएगा जो कि ग्रे कलर में है। वुडन टाइप में इसके पावर विंडोज़ के बटन है और साथ सेंटर लॉकिंग का बटन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसके साथ यहाँ पर आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलेगा, साथ स्पीकर है। ड्राइवर डोर ऑटोमेटिक है जबकि बाकी तमाम विंडोज़ इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है लेकिन ऑटोमेटिक नहीं है। यह आप अंदर का व्यू देख सकते हैं जो वो काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा आपको मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स मिलेंगी जो कि हेडरेस्ट के साथ आती हैं। सीट बेल्ट भी इसके साथ अवेलेबल है। ग्रे कलर में इस गाड़ी का डैशबोर्ड डिज़ाइन किया जाता है जो कि काफ़ी अच्छा और खूबसूरत है, और सॉफ्ट प्लास्टिक मटेरियल में ये आता है। 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में यूज़ किया गया है जो कि 1-वे मैनुअली एडजस्टेबल है, और ये SRS एयरबैग के साथ आता है, और ये सिंगल टोन में डिज़ाइन किया गया है। सॉफ्ट प्लास्टिक इसका मटेरियल है। उसके बाद यहाँ पर आपको एनालॉग स्पीड मीटर और RPM मीटर मिलेगा, और उसके साथ हीट गेज और फ्यूल गेज भी इसके साथ ही मिलेगी। यहाँ पर आपको एक एयर वेंट मिल जाएगा, उसके नीचे साइड व्यू मिरर कंट्रोल बटन मिल जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा डिफोगर ऑन ऑफ बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 एयर वेंट मिल जाएंगे। नीचे इंफोटेनमेंट सिस्टम है और साथ कंपास भी इसमें इंस्टॉल है। मैनुअल AC हीटर कंट्रोल्ड आपको नीचे मिल जाएंगे, और उसके साथ इलेक्ट्रिक लाइटर भी यहाँ पे मिल जाएगा। यह नीचे आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल गया। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ये गाड़ी आती है। 4-व्हील ड्राइव सिस्टम आपको साथ मिल जाएगा। आर्मरेस्ट इसका वुडन टाइप में है। यहाँ स्टोरेज कंपार्टमेंट है, एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एयर वेंट मिल जाएगा, उसके साथ एयर बैग है।
यहाँ पर ग्लव बॉक्स जो कि नॉर्मल स्पेस के साथ आता है, ऊपर की बात की जाए तो यहाँ सनशेड है जिसके ऊपर वैनिटी मिरर मौजूद नहीं है, यहाँ पे आपको एक लाइट मिल जाएगी, बैक व्यू मिरर है, दूसरी तरफ सनशेड के ऊपर वैनिटी मिरर भी मौजूद है, यहाँ पर आपको सन रूफ मिल जाएगा। इसके साथ आपको यहाँ पर केबल लाइट भी मिल जाएगी। रेड डोर की अगर बात की जाए तो यहाँ डोर ओपनर ग्रे कलर में है, साथ में डोर पैन डोर बटन है, फैब्रिक और प्लास्टिक में ये डिज़ाइन किया गया है, यहाँ पर एक स्पीकर मिल जाएगा। रियर सीट्स की बात की जाए तो वो काफ़ी कंफर्टेबल है, हेडरेस्ट के साथ आती हैं, ये आप पीछे से स्पेस चेक कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा यहाँ पर आर्मरेस्ट भी मौजूद है, ऊपर एयर वेंट मिल जाएगी, लेग रूम की अगर बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे रियर पैसेंजर के लिए एसी और हीटर के कंट्रोल यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। और अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की प्राइस के बारे में, इस गाड़ी की जो प्राइस है वो 33 लाख इस गाड़ी की प्राइस है, 33 लाख इस गाड़ी की प्राइस है, 1996 मॉडल है, इम्पोर्ट 2006 की है, नंबर इसका 2008 का है, और ये टोटल जेन्युइन कंडीशन में है। और अगर कोई बंदा इस गाड़ी को खरीदने में इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर आपको शोरूम के नंबर शो हो रहे हैं, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दें।